भाई हमारे पास ऑलरेडी पहले से माल ज्यादा नहीं है, फिर भी जो भी है मेरे बाइक पे जितना आता उतना लोड करके जाता हूँ। वो लोग ट्रैक्टर से, गाड़ी से, फोर व्हीलर से आते हैं, तो उनके पास माल वास्तव में कम नहीं होगा, क्योंकि लाने का कोई दिक्कत नहीं है। बस बोरा बांध बांध के ट्रैक्टर ट्राली पे डाल दो, गाड़ी पे डाल दो, उसके बाद आगे मार्केट में गिरा देंगे। तो उनको बस लगाना लगाना होता है, लेकिन मेरा तो बाइक पे लोड करना पड़ता है और छोटे छोटे गठरी होती हैं, इसलिए भाई मेरा भी सेल बहुत अच्छा हुआ था कल। कल उससे ज्यादा मैं बेचा रहा होगा, मेरा कल 4500-5000 का काम। वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली आज है वाइस करके बाजार, और भाई अभी दुपट्टा उपट्टा वाला लिया हो और देख सकते हो बाइक पे भाई सारा सामान लोड करके अच्छे से और सड़े वड़े बांध दिया हूँ। अभी देख सकते हो दो दो बैग रख लिया हूँ और अभी फ़िलहाल चलता हूँ, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में हिम्मत नहीं ले रहा जाने के लिए, लेकिन मजबूरी है भाई, बाजार करना पड़ेगा। चौका बर्तन कर ला, खाना पीना बना ला, ठीक है बनावाई आए तो कहा। हाँ चड्डी पहन के घूमा थे, इतना बड़ा हुई क्या देखा था। चलो भाई चलते हैं, अभी फाइनली गाड़ी पर अपने बैठते हैं। जय हो बाबा की। हाँ यार दीदी नमस्कार, और बस बढ़िया है, चलता हा? चला चला तैयार लिए था ही, ठीक है ना। हाँ धूप ही बहुत रहा है। हाँ चलाओ तो ये भाई है, साथ में कपड़ा बेचते हैं और इनके लड़के अभी सरकारी नौकरी पा गए भाई आर्मी में। तो चलो फटाफट चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मार्केट पहुंच गया और पहला नंबर तो अपना सरिया उतारता हूं, जो अच्छे से भाई इसको लोड करके रखता हूं गाड़ी में ताकि कहीं गिरे ना, और बम्पर के बीच में बांध देता हूं, तो चाहे जितना स्पीड चलाऊं कहीं भी सरिया गिरती नहीं है। शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन अभी आदत पड़ गया तभी सरिया बहुत अच्छे से तब पहला छेदा में घुसा देता हूँ, क्योंकि भाई शुरुआत यहीं से होता है हमारा, और छः सरिया होता है और छः सुराख बना के रखे हूँ, और हर दिन इसी को सुबह शाम करना पड़ता है, क्योंकि भाई जब अच्छे से गाड़ेंगे मजबूती से बांध देंगे इसमें डोरियों को, ताकि हमारा कपड़ा कहीं भी उड़े ना और कहीं गिरे ना। तो आंधी तूफान से बचाने के लिए, धूल मिट्टी से, बारिश से बचाने के लिए ये सब ऐसा करना पड़ता, क्योंकि अगर किसी को भी कपड़े की लाइन में हलना है तो सबसे पहले नंबर आपको छः सरिया बनवाना पड़ेगा, जो आप उसी हिसाब से रखना ताकि आपका सरिया कमज़ोर ना हो ना ज़्यादा वजन हो, तो मीडियम में होना चाहिए, 400, 500, 600 तक चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा भारी, उससे कम जोर का रहेगा तो लग जाएगा, हवा चलेगा या फिर दिक्कत आ सकता है। तो जितनी भी मजबूती सरिया रगाड़ के रखोगे उतनी ही आपकी सेफ्टी करेगा। तो भाई इसको गाड़ने का सबसे बड़ा प्रोसेस ये होता है कि हमारा कपड़ा चारों तरफ टांग देता हूँ और इसके ऊपर अच्छे से बांध देता हूँ रस्सियों को। तो अभी आप देखते रहना किस तरह अभी हम अपनी दुकान को सजाते हैं, क्योंकि भाई गाड़ी लाके खड़ी कर दें तो काफ़ी दिक्कत होगा मुझे गाड़ने में। तो अभी फ़िलहाल सारा गाड़ वाड़ के रेडी हो गया, बांध दिया सारी सरियों को अच्छे से पल्ली को, तो अभी एक एक करके सामान उतार रहा हूँ अपनी बाइक से। अभी सामान सबको उतार के रख देता हूँ फटाफट, ताकि अभी लगाने मुझे आसान हो जाए, और भाई हम रोज़ उतार कर इसको अच्छे से सजाना पड़ता कपड़े को। तो अभी देख सकते हो और कुछ कपड़ा मैं सजा दिया हूँ और कुछ अभी सजाने को बाकी है, स्टोर स्टोर टांग दिया हूँ भाई। जितना भी कपड़ा अच्छे से सजा के रखेंगे उतने अच्छे कस्टमर हमारी दुकान पर आएंगे। तो दुकान पर सजाना पड़ता कपड़ा ताकि सब कपड़ा दिखाई दे, और जो जो हमारे पास होता है एक एक पीस सबको अच्छे से बाहर निकाल के रखता हूँ, ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो भाई कि ये पीस मुझे चाहिए। और फिर तो भाई एक एक पीस सजा दिया हूँ अच्छे से, सामने एक दुकान लगी हुई कपड़ा काज। तो अभी भाई धूप बहुत ज़्यादा, गर्मी की लिए अभी शाम भी हो गया है, अभी 4 बजने वाले हैं, 2:48 हो रहे हैं, तो अभी 4-5 बजे तक आराम से थोड़ा सा राहत मिलने लगता है, क्योंकि अभी कस्टमर भी नहीं आएंगे, क्योंकि धूप भी ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, क्योंकि सीज़न डाउन है अभी, रोज़ के रोज़ होते जा रहा है, तो थोड़ा सा मतलब अभी कस्टमर लेट में आएंगे। तो अभी देखते हो मार्केट में आदमी उतना नहीं दिख रहे हैं, खाने गोरा गोरा है।
हम वीडियो बनाते हैं उस पे अपने मोबाइल में देखते हैं। कितना लेना है? दो लेना पचास रुपये। दोनों का कचरा वहाँ वहीं लाने लो। ले पचास ले जा। ए पड़ोसे अगले हफ्ता। लो उसमें डाल दे। हाँ? हटा हटा होगा। बचा देंगे। हाँ दोनों हर पड़े। नाम नहीं लेना। अभी शाम हो गया और आज बहुत अच्छा मार्केट था, काफी अच्छा सेल हुआ। और समय दोस्तों अभी 6:42 हो गया और दोस्तों अभी शाम हो गया, अभी देख सकते हो धूप बैठ गया है। तो चलते फटाफट, चलते भाई फटाफट सामान को इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक बोरी पहले पैक कर चुका हूं और अभी इतना पालिया पड़ा हुआ है रखा हुआ, ये सब पैक करने में कम से कम अभी मुझे आधे घंटे के ऊपर लग जाएगा। तो चले फटाफट पैक करते हैं दोस्तों, फिर बताते हैं हम आज की देख से हुआ मार्केट कैसा रहा। तो चलो फटाफट पैक करते हैं पहले दोस्तों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? तो दोस्तों रात को मुझे 9 बज गए आते आते घर और कल बहुत अच्छा सेल था क्योंकि कल मार्केट में हमारे सामने एक दुकान लगाया था आदमी, उधर लगाता था तो उधर जगह नहीं मिला तो मेरे सामने लगाने लगा, तो उसके पास बहुत सारा माल था, मेरा उससे दुगना था, मतलब मेरा आधा था उसका, उस डबल था हमारे से, तो उसके पास बहुत सारी वैरायटी थी और उसी के चलते सामने वाला से भीड़ लगता था तो हमारे पे आते थे और उसके जाते थे क्योंकि मैं दुकान बहुत स्टैंडर्ड सजा के रखा था, काफी अच्छा लग रहा था। सामान ज्यादा नहीं है फिर भी बहुत अच्छी दुकान सजाता हूँ, इसकी वजह से हमारे दुकान पे बहुत कस्टमर आते हैं और अच्छा रेट भी देता हूँ, नहीं कि बढ़ा चढ़ा के रेट मांगता हूँ। और जितने भी कस्टमर हमारे पास आते हैं फिक्स होते हैं ज्यादा ज्यादा, पहले वाले जो नए कस्टमर होते हैं वो भी जुड़ते जाते हैं क्योंकि भाई हमारे पास ऑलरेडी पहले से माल ज्यादा नहीं है, फिर भी जो भी है मेरे बाइक पे जितना आता उतना लोड करके जाता हूँ, वो लोग ट्रैक्टर से गाड़ी से फोर व्हीलर से आते हैं तो उनके पास माल वास्तव में कम नहीं होगा क्योंकि लाने का कोई दिक्कत नहीं है, बस बोरा बांध बांध के ट्रैक्टर ट्राली पे डाल दो, गाड़ी पे डाल दो, उसके बाद आगे मार्केट में गिरा देंगे, तो उनको बस लगाना लगाना होता है, लेकिन मेरा तो बाइक पे लोड करना पड़ता है और छोटे छोटे गठरी होती हैं, इसलिए भाई मेरा भी सेल बहुत अच्छा हुआ था कल, कल उससे ज्यादा मैं बेचा रहा होगा, मेरा कल 4500-5000 का काम होता और काफी अच्छा सेल था क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट में अगर एक एक दिन में अगर इतने काम ना हो, 4000-5000 का सेल ना हो तो बेकार है, क्योंकि अगर आप 1-1.5 लाख, 2 लाख का माल कोई लेके जाता है तो हर कोई 3000-3500-4500-5000 का बेच के आता है मध्य में, अगर सीजन में 10-10 हजार, 12-12 हजार के आदमी बेचता है कपड़ा तो हमारे पास तो 60-70-80 हजार का होगा, फिर भी मैं जो भी माल है मेरे पास मतलब उस तरह नहीं है कि हमारे पास हर चीज आ जाए और हर चीज मिल जाता है जो भी कस्टमर आएंगे, ऐसा नहीं है, हमारे पास कम से कम बड़े कस्टमर लौट के जाते हैं क्योंकि बच्चों का टॉप टी शर्ट और लेगी कुर्ती छोटों का 10 साल का नहीं है और 10 ही साल 12 साल के लड़कियों के लिए हमारे पास टॉप जींस नहीं है, इसका कस्टमर बहुत लौटते हैं, लेकिन दोस्तों कोई मुश्किल नहीं है, इतना सामान जितना रखा हूँ इतने में ही काफी है क्योंकि 4500 का मेरा कल सेल हुआ था तो काफी अच्छा भाई मुनाफा मिला था कल, क्योंकि ऐसे कभी कभी सेल होता है और हमें तो खुशी लग रहा है इस बात का क्योंकि सामने दुकान लगने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई सेल नहीं होगा इसके सामने, मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसकी दुकान लगी तो हमारे पे स्टार्ट हो गया बोनी होना और अच्छा खासा मार्केट चला और बहुत अच्छा सेल हुआ मेरा, जिससे मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो दोस्तों अगर आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हो कपड़े का, आप भी अगर फेरी काम करना चाहते हो तो दोस्तों मेहनत तो है, मेहनत तो जैसे हमारे घंटा किसी और की नौकरी करते हैं, किसी और के यहाँ काम करते हैं, अगर हमारे पास 40-50 हजार रुपए इकट्ठे हैं तो अगर चाहो तो पार्ट टाइम में अपना काम स्टार्ट करके और अपना वो भी काम कर सकते हो और ये भी काम कर सकते हो, 1-12 बजे तक अपना घर का काम करो और उसके बाद फिर मार्केट पकड़ लो या फिर फेरी चले जाओ तो काफी अच्छा सेल होगा, जो आपको समझ में आए तो मार्केट करो, ना समझ में आया तो बंद कर दो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कपड़ा एक ऐसा चीज है कभी खराब होने वाला चीज नहीं है, चाहे 1 साल में बेच लो चाहे 4 साल में बेचो, तो कपड़ा का वैसे वैसे रहेगा, बस आप पन्नी में उसको अच्छे से पार्सल करके रखोगे तो कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ सीख मिलती हो, वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लेना
तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।